सकते हैं उधर सामने मायावती जी की कोठी नजर आ रही है और ये इधर हेलीपैड है। साइकिल सिर्फ कहने से नहीं चलेगी। हाँ। अगर जमीन पे जब काम होगा दिखाया जाएगा। हाँ। तो फिर किसी को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। खुद पे खुद हो जाता है, इसीलिए लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। जनता के दिलों में बस गए हैं योगी जी। बिल्कुल बस गए जी। अच्छा। बिल्कुल चोरी डकैती बदमाशी ये सब कुछ। हाँ। सब कुछ खत्म कर दिया, खत्म ही कर दिया है मतलब जड़ से। बिल्कुल साफ, अगर सपा सरकार आई ना घर गए बदमाश हो जाएंगे। अच्छा, योगी ने गुंडागर्दी और बदमाशी बिल्कुल खत्म कर दी भैया। हम तो आए ऐसा कि हमारे बहन जी ने हमारे यहाँ विकास करा। हाँ। ये आज हम यहाँ आरसी खड़े हैं उसी के लिए हैं। बिल्कुल, बहनों के लिए उन्होंने स्कूल खुलवा दिए हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ खूब विकास करा है। हाँ। हर चीज की सुविधा करी है जी जी। बस जो है कि जो हमारे जो मोदी की वो है थोड़ा मोदी को जाएगी हमारे वो। अच्छा, विकास कार्य मायावती जी ने यहाँ पर किए हैं लेकिन इस बार वोट योगी जी को जा रही है। क्यों जा रही है, ऐसा क्या किया है योगी जी ने, कुछ अच्छा कर दिया है क्या? गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म कर दी। बिल्कुल, अखिलेश जी के राज में भरपूर थी। बस वो तो छोड़ो उनकी तो बात को। अच्छा। हमारे 10 वोट है तो 10 वोटों में वैसी का यहाँ क्या हो रहा है। हमारा तो क्षेत्र सब पूरा हिंदुओं का ही है। अभी तक तो जो है क्या है कि यहाँ पे जो है बीजेपी का बोलबाला है। बीजेपी का बोलबाला है। मोदी और योगी सरकार में जो कार्य हुई है वो जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका साथ। हो भी रहा है या ऐसे ही चल रहा है? नहीं नहीं, हो रहा है काम, क्यों नहीं हो रहा? आप अच्छा। लोग नहीं देख रहे क्या? आप भी तो देख रहे हो, दिखा रहे हो। हो रहा है काम, क्यों नहीं हो रहा? किसको? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? मायावती जी के साथ क्यों नहीं? मायावती जी का गांव है तो। ऐसा हमारी पार्टी बीजेपी की है। नमस्कार, मैं हूँ विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। यूथ मीडिया टीवी की चुनावी यात्रा आज आ पहुंची है बादलपुर गांव। ये गांव मायावती जी का गांव है। आप देख सकते हैं उधर सामने मायावती जी की कोठी नजर आ रही है और ये इधर हेलीपैड है। आइए यहाँ का माहौल जानेंगे, यहाँ से पूछेंगे जनता से, इस गांव के लोगों से कि इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल क्या नजर आ रहा है। यहाँ की जनता से पूछेंगे 5 साल के कामकाज कैसे लगे सरकार के, इससे पहली सरकार जो थी उसने कितना काम किया यहाँ की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में कितना विकास नजर आया है इन 5 सालों में। चलते हैं जनता के पास, योगी सरकार का कामकाज कैसा रहा इस पर चर्चा करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए जनता के पास और इस गांव के लोगों से पूछेंगे कि इस बार का माहौल क्या है, किसको इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो चलते रहिए, देखते रहिए। अंगल जी ये बताइए, चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है माहौल इस बार, किसको देख रहे हो इस बार उत्तर प्रदेश में, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हो? भैया हम तो गांव की गैल ही है। गांव की गैल है? हाँ। तो गांव किसकी गैल जा रहा है? अब ये हमारी पार्टी में तो हमारे गांव में तो बहन जी का ही जोर, बहन जी का जोर है। हाँ। क्या लग रहा है बहन जी सरकार बना पाएंगी या नहीं? अब सरकार की कह रहे हैं बहन जी योगी जी के साथ चले जाएंगे, गठबंधन कर लेंगे अगर ऐसा हुआ तो। कहीं भी चली जाओ अब गांव के हिसाब से तो लोग बहन जी को ही सपोर्ट करेंगे। गांव के हिसाब से बहन जी को सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव जी हैं, किस तरीके से देखते हैं उनको? अखिलेश यादव की भी सरकार बढ़िया रही है। बढ़िया रही है हमारे यहाँ के हिसाब से। अच्छा, योगी जी की कैसी रही है? योगी जी की भी ठीक कर रही है काम अपना, बढ़िया। क्या ठीक लगा, कुछ लगा भी है या ऊपरी मन से बोल रहे हो? ऊपरी कह रहे हैं कि मुसलमान विरोधी है योगी जी तो। नहीं, हम मुसलमानों का समर्थन ही नहीं करते। हम भी मुसलमान ही हैं। अच्छा, आप भी मुसलमान? हम भी मुसलमान। क्या लग रहा है मुसलमान किसके साथ जा रहा है? हम विरोधी नहीं है जी, हम तो काम के हैं। जो काम के हैं। ये जो चलता रहता है कि मुसलमानों का विरोधी है योगी जी, ना, 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 ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारे यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। राशन पानी मिला है इनकी सरकार में? हाँ, मिल रहा है जी। मुसलमानों को नहीं देती? ना, दे रहे हैं गाँव के लोग, ऐसी कोई बात दे रहे हैं। तो योगी जी को पसंद नहीं करते? पसंद तो हमारे अकेले, हमारा इतना जनता हारी ना, हम तो जैसा क्या अखिलेश जी को चुपके चुपके वोट कर आएंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारा तो हम तो गांव की गैल है, जैसा लोग कर चलेंगे ऐसे ही हम चल देंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं बीजेपी को वोट करने वाले हैं इस बार। ये तो बाबूजी सब जगह ऐसा होता ही है, सब जगह ऐसा होता ही है, निरानिरी एक जगह थोड़ी आदमी जाएगा जी जी, सब जगह जाएंगे। अच्छा, आप बताइए अंकल जी, ये तो कह रहे हैं कि गांव की गैल है, आप किसकी गैल हो इस बार, किसको? बीजेपी को। बीजेपी को? क्यों बीजेपी को? है? मायावती जी के साथ क्यों नहीं? मायावती जी का गांव है तो। ऐसा हमारी पार्टी बीजेपी की है
हम हमेशा पार्टी से हो क्या? हाँ बिल्कुल, बीजेपी से हो? बीजेपी से ही। तो फिर तो बीजेपी की बात करो, क्या किया है बीजेपी ने फिर ये बताइए। बीजेपी ने जो है विकास किया। क्या विकास किया है? सभी रोडें वगैरह सही है, एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल में है, बुंदेलखंड में विकास किया, ठीक। बाकी जो है वो तो कह रहे अगले जी हमारे काम थे फीते काट गए तो बीजेपी वाले। वो तो सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, अलग बात है। अच्छा गुंडागर्दी कम हुई है ना सर? गुंडागर्दी बिल्कुल कम हुई है, जितने भी जो है गुंडे हैं वो बिल्कुल सब इस समय जो है साइलेंट है। योगी जी के टाइम में, योगी जी के टाइम में साइलेंट है सर। क्या विकास हुआ है मायावती जी के? मायावती के उसमें जो है जो होना चाहिए वो योगी जी ने किया है इस गांव में विकास। हाँ योगी जी ने तो जो है लाइट की व्यवस्था सही हुई है, पहले तो लाइट की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। ये बताइए आप तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे हम। देखो वैसा है ना, ये तो बताया ना कि सब जो है फ्री वाला एक सब कोई कार्ड खेलना चाहता है जनता को भ्रमित करने के लिए, लेकिन शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन मुद्दों पर कोई भी मतलब खुल करके बात नहीं करता है। जी जी, जो बेरोजगारी है वाकई में मान लीजिए जी जी, तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, ओबीसी साहब भी आ रहे हैं हैदराबाद वाले, बोल रहे हैं कि इस बार मुसलमानों पर तो जो अत्याचार हो रहे हैं वो हम ही दूर करेंगे, हमारी सरकार बनवा दो, हमें जितवा दो। तो ओवैसी का इतना कहाँ वो है यहाँ? ओवैसी हैदराबाद में है, वो यूपी में इतना तो कहाँ सीट आ गए हैं 100 सीट पे बोल रहे हैं लड़ने के लिए, तो हमारे क्षेत्र में कहाँ जीत पाएंगे वो? जहाँ क्या लग रहा है मुसलमान वोट करेगा ओवैसी साहब को? यहाँ नहीं जीत पाएंगे, ये वोट ही नहीं करेगा मुसलमान। नहीं वोट कहाँ, अखिलेश यादव जी का है मुसलमान। अब मान लिया हमारे 10 वोट है तो 10 वोटों में ओवैसी का यहाँ क्या हो रहा है? हमारा तो क्षेत्र सब पूरा हिंदुओं का ही है। हाँ तो जहाँ गांव जाएगा वहीं सब जाएंगे, वो ऐसी अच्छा। को अकेला थोड़ी कोई नहीं, आप तो स्वतंत्र हो, ये तो आपके मन की बात है, आप किसी को भी बात है, ये बात सही है। हाँ। मन की बात है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ। लेकिन वोट भी तो उस आदमी को देनी चाहिए जो सत्ता में आ रहा हो। हाँ। या वैसी फेंक दे। अच्छा तो अखिलेश यादव जी के कहीं और इशारा जा रहा है आपका, यानी कि नहीं अगर अखिलेश सत्ता में आएगा तो वोट हम तो हमने तो जो स्पष्ट कह दिया हुआ है, हम तो गांव के साथ हैं, गांव के साथ वोट करेंगे। तो गांव के साथ हैं आप, बीजेपी को वोट करेंगे आप भी, आपने बीजेपी को बोला था बीजेपी को वोट करेंगे। विकास उकास हुआ है योगी सरकार में या नहीं? अखिलेश जी कह रहे सारा काम हमारे थे। नहीं डेवलपमेंट हुआ ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। 100% योगी ही आएंगे, योगी ही आएंगे 100%। आप बताइए किसकी तरफ दिखाई दे रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल? भाई साहब अभी तक तो जो है क्या है कि यहाँ पे जो है बीजेपी का ही बोलबाला है, बीजेपी का बोलबाला है। मोदी और योगी सरकार में जो कार्य हुई है वो जो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका साथ हो भी रहा है या ऐसे ही चल रहा है? नहीं नहीं हो रहा है काम, क्यों नहीं हो रहा? आप अच्छा। लोग नहीं देख रहे क्या? आप भी तो देख रहे हो, दिखा रहे हो रहा है काम, क्यों नहीं हो रहा? क्या लग रहा है हम आज मायावती जी का गांव है, यहाँ की जनता क्या बीजेपी के साथ क्यों जा रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मायावती जी के साथ जाना चाहिए था। ऐसा है जो आदमी कार्य करेगा चाहे वो योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, पब्लिक पढ़ी लिखी है, अब समझदार हो गए हैं सब लोग, तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। पब्लिक सपोर्ट तो उसको काम करेगा ना, जो विकास का कार्य करेगा, जो प्रगति पे करेगा, देश को आगे बढ़ाएगा, वो उसके साथ में रहेगी पब्लिक। तो यहाँ तक काम पहुँचा है योगी सरकार का या नहीं पहुँचा है? क्यों नहीं पहुँचा? हाँ। सब जगह पहुँचा हुआ है। अच्छा। कौन कहता नहीं पहुँचा, सभी जगह पहुँचा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी एक खास स्टेट के लिए काम करा हो या किसी खास एक गांव के लिए करा हो, तो सबके साथ है, सबके विकास सबके साथ। तो ये बताइए मायावती जी के गांव के लोग मायावती जी को क्यों नहीं पसंद कर रहे, ये क्या वजह है? ऐसा है देखो, सरकार की बात जहाँ तक की और मायावती की बात है कि लोग सभी तरह के होते हैं, कोई मायावती को पसंद करते हैं, कुछ अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, कुछ बीजेपी को पसंद करते हैं जी। तो ये है, तो अपनी अपनी समझदारी की बात है कि किसको सपोर्ट करना चाहिए और कौन राष्ट्र हित में है, कौन देश हित में है। अखिलेश यादव जी हैं क्या, किस तरीके से देख रहे हो? अखिलेश यादव जी का हमारे यहाँ पे इतना जोर शोर नहीं है जितना कि जो भी रहेगा बहन जी का और वो बीजेपी का। बहन जी और बीजेपी भैया, भाई साहब हम तो आए ऐसा कि हमारे बहन जी ने हमारे यहाँ विकास करा। हाँ। ये आज हम यहाँ आरसीसी खड़े हैं उसी के वजह से। बिल्कुल, बहनों के लिए उन्होंने स्कूल खुलवा दिए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ खूब विकास करा है। हाँ। हर चीज की सुविधा करी है जी जी। बस जो है कि जो हमारा जो मोदी की वो है थोड़ा कि मोदी को जाएगी हमारे वो। अच्छा, विकास कार्य मायावती जी ने यहाँ पर किए हैं लेकिन इस बार वोट योगी जी को जा रही है, क्यों जा रही है? ऐसा क्या किया है योगी जी ने, कुछ अच्छा कर दिया है क्या? गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म कर दी बिल्कुल, अखिलेश जी के राज में भरपूर थी बाजी, वो तो
छोड़ो उनकी तो बात को। हाँ, जो योगी ने करा हम उसको बताएंगे। अच्छा, योगी जी क्या और क्या है यहाँ पर, कितना काम कर दिया है योगी जी ने आके? नहीं, यहाँ तो जो मायावती करके जो कर गई, हाँ। योगी जी ने हमारे यहाँ तो कोई करा नहीं है, बस हमारे तो ये है मोदी जी ने हमें जो राशन बांट रहे हैं फ्री में, थोड़े बात कोरोना के उससे बांट रहे हैं, बैंक में भी पैसे पहुँचा रहे हैं गरीबियों के लिए। मोदी जी खूब कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी को किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव? अखिलेश का यहाँ ज्यादा असर नहीं है, इतना ज्यादा असर नहीं है। आप क्या प्रभाव ना इस अखिलेश का प्रभाव नहीं है बिल्कुल भी? क्यों प्रभाव नहीं है? उसने कुछ करा, उसके राज में केवल गुंडागर्दी होती है, घर गैल चार चार बदमाश हो जाते हैं। अच्छा। अगर सपा सरकार आई ना, घर गैल बदमाश हो जाएंगे। अच्छा। योगी ने गुंडागर्दी और बदमाशी बिल्कुल खत्म कर दी। खत्म कर दी है बिल्कुल। अच्छा, हाँ। लेकिन कहते हैं अखिलेश जी की योगी जी गुंडागर्दी करवा रहे हैं। देखो, एक एक पार्टी दूसरे आरोप लगाती है, आरोप लगाती, ठीक है, जनता को बेवकूफ बनाती है। जब उन वोट मिल पाते हैं ना, अगर वो ऐसा ना करे तो वोट कैसे प्राप्त होंगे? बिल्कुल। तो इस बार उम्मीद किसकी है? बीजेपी सरकार रहेगी। क्या बादलपुर की जनता भी बीजेपी को चाहती है क्या? अधिकतर अधिकतर। आप क्या कहोगे भैया, किसका माहौल इस बार देख रहे हो? यही बताएंगे भैया। अरे इन्होंने तो बता दिया, आपकी क्या राय है? युवा इस बार किसको देख रहा है? मुद्दा क्या है युवाओं का, किस मुद्दे में वोट? बीजेपी देंगे, बीजेपी को देंगे। क्यों देंगे बीजेपी को? अपनी वो है, हम बता दे अब आप। कह रहे युवाओं को तो बेरोजगार कर दिया है बीजेपी, कौन कर दिया? कह रहे रोजगार ही नहीं दिया। आ रहे अंकल एक मिनट। अब जब आप काम ही ना करोगे तो बेरोजगारी कौन से फैल गई? काम भी तो करना जरूरी है। अब ये थोड़ी जाकर हाथ दे लिए जेब में बैठे रहो। गुंडागर्दी की बात होती, गुंडागर्दी कम हुई है इन 5 सालों में? खत्म होगी क्या भैया? ये बताएंगे भैया गुंडागर्दी। ये बताइए, क्या मायावती जी का गांव है यहाँ की जनता सारी बीजेपी को जाएगी या कुछ मायावती जी को? क्या लगता है? शेड्यूल कास्ट जाएंगे हैं? शेड्यूल कास्ट जाएंगे। अच्छा, बाकी और भी कोई पार्ट मतलब और भी सदर रहते हैं हर जाति के? जी जी, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कारण केवल एक है। क्या कारण? कारण ये है कि मायावती ने पूरा गाँव तो एक बार कर दिया, साथ 11 का मुआवजा दिलाया, जबकि हमें उस समय जिस समय एक बार किया था 50 लाख पर बीघे मिल रहे थे ऑन रोड, ठीक है, साथ 11 में ले लिया गांव के लिए, उसने कुछ नहीं किया, काम लूटा है केवल। अच्छा, उसके बाद उसने कुछ भी ना किया। अच्छा। गांव के आदमी मिलना पसंद नहीं करते, इन्हीं की बरादर में किशोरी का लड़का है और छपरौला एक बिहार ने मर दिया, जब हमारे गांव के समुदाय के जाटों लोग गए थे उसके पास, तो उसने गेट भी ना खोला। अच्छा, किसको पसंद कर रहा है भैया युवा? क्या ये बीजेपी को ही कर रहा है युवा? तो बीजेपी को पसंद कर रहा है। क्यों कर रहा है बीजेपी? कह रहा है कि बीजेपी से तो नाराज है युवा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। काम किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने काम किया है और काफी ऐसे काम किए हैं कि बाकी कोई पार्टी तो फाइट में है ही नहीं। अच्छा, फाइट में नहीं है कोई? अखिलेश जी हैं, मायावती जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे क्या? यहाँ से वोट जाएंगी बीजेपी को और मायावती जी का गांव? मायावती को जाएंगे वोट। क्यों? मायावती का गांव है इसलिए वोट जाएंगे, बाकी जो योगी जी के काम से इम्प्रेस है पब्लिक, उस हिसाब से जाएंगे। अच्छा, जनता के दिलों में बस गए हैं योगी जी? बिल्कुल बस गए जी, बिल्कुल। चोरी डकैती बदमाशी ये सब कुछ, सब कुछ खत्म कर दिया है। खत्म ही कर दिया है मतलब जड़ समेत? बिल्कुल। या ऊपर ऊपर है मामला भी? नहीं नहीं, बिल्कुल खत्म है। अच्छा, आप न्यूज उठा के देख लो किसी पेपर में कहीं चोरी डकैती ये बिल्कुल खत्म है। अच्छा, खत्म है। 300 यूनिट बिजली अखिलेश यादव कह रहे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री देंगे। देखो जी, बिजली पानी ये तो सिस्टम, खैर पब्लिक अभी ने तो पर मुद्दे को लाई नहीं दी, बाकी जो पब्लिक महसूस कर रही है ना, उस हिसाब से वोट बीजेपी को जाएंगे हमारे गांव से और बसपा को जाएंगे। बसपा को जाएंगे, बीजेपी और बसपा है, अखिलेश यादव कहीं नहीं है? नहीं, वो यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सरकार बनाने वाले हैं, साइकिल चलने वाली है इस बार। वो तो साइकिल तो चलती ही रहेगी, ऐसे यहाँ ना चले साइकिल। क्या कह रहे हो अंकल? साइकिल कह रहे हैं साइकिल चलने वाली है? भैया साइकिल सिर्फ कहने से नहीं चलेगी। हाँ। अगर जमीन पे जब काम होगा, दिखाया जाएगा। हाँ। तो फिर किसी को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। खुद पे खुद हो जाता है, इसीलिए लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं 300 पार है, 350 का भी तो 400 भी बोल देते हैं। अब ये तो पता चल जाएगा आपको भी। हाँ। कुछ दिन की बात है, चुनाव होने के बाद पता चल जाएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री जो दे रहे हैं, क्या मुद्दा बन पाएगा? जनता इसको स्वीकार करेगी क्या? हर कोई फ्री के पीछे नहीं भागता,
जो पढ़े लिखे समझदार इंसान होंगे वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को ही सपोर्ट ना कि फ्री में बिजली या पानी की बात। अच्छा, ये बातचीत तो बाद की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई दिल्ली की सरकार नहीं है, केंद्र की, कि जिसमें जो है आदमी बिजली और पानी के पीछे भाग रहा है। वहाँ ज्यादातर आबादी बाहर की है, दिल्ली के अंदर यहाँ सब अपने आप में समर्पण है, कोई किसी के पीछे नहीं है। यहाँ बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।